हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका अपनी चैनल टैली डिजिटल क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि GSTR 9 की लेट फी के बारे में क्या सेक्शन बताया गया है और GSTR 9 की लास्ट डेट कौन सी है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो जुड़ रही हमारे चैनल के साथ। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। GSTR 9 लेट फी के बारे में CGST एक्ट अंडर सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 के यहाँ पर रूल दिया गया है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज फेल टू फर्निश द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 बाय द ड्यू डेट। अंडर सेक्शन 44 ये किसके बारे में होता है? तो ये एनुअल रिटर्न के बारे में 44 होता है। द ड्यू डेट शैल बी लायबल टू पे अ लेट फी ऑफ 100 rupees फॉर एवरी डे। अगर आप ड्यू डेट के अंदर GSTR 9 फाइल करना रह जाता है आपका, तो एवरी डे 100 rupees CGST और 100 rupees SGST आपको पे करना होगा। मतलब दोनों मिलाकर 200 पर डे आपको पे करना होगा। इसके आगे दिया हुआ है, ड्यूरिंग विच सच द फेलर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट क्वार्टर परसेंट। कैलकुलेट कैसे होगा? क्वार्टर परसेंट यहाँ पर दिया हुआ है। क्वार्टर परसेंट किसे कहते हैं? वन ईयर है तो वन ईयर का 1/4 करेंगे तो ये हमारा क्वार्टर परसेंट हुआ, मतलब 0.25 क्वार्टर परसेंट ऑफ हिज टर्न ओवर इन द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर टर्न ओवर की बात की गई है, नॉट अ एग्रीगेट टर्न ओवर। टर्न ओवर में इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स की बात होती है। टर्न ओवर में इंटर स्टेट आपका जो भी टर्न ओवर होगा उसमें से 0.25 जो भी कैलकुलेट होगा, आपका समझ लो कि एक ईयर में इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन जो भी होगा, आपने लेट फी हो गई 31 जून के अंदर, आपने GSTR 9 पे नहीं किया, तो आपको आपका जो टर्न होगा इंटर स्टेट टर्न ओवर होगा उस पर 0.25% अगर पर डेज 200 rupees दोनों में से जो मिनिमम अमाउंट होगी वो आपको गवर्नमेंट को पे करनी होगी। आपने इस लेक्चर में देखा कि GSTR 9 की लेट फी और इसकी ड्यू डेट कौन सी है, 31 जून। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार आए इस वीडियो पर, इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो भी आप देख सको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं।